ऑटोमेटेड फिल्टर्स, इसको आप समझ लीजिए बहुत काम की चीज है। देखिए आप चाहें तो कमेंट में किसी को मॉडरेटर बना सकते हैं, तो अभी मैंने किसी को मॉडरेटर नहीं बनाया, आप चाहें तो उसके चल का यूआरएल डाल देंगे, वो मॉडरेटर बन सकता है आपके चल के कमेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा अप्रूव कर सकते हैं किसी भी यूजर को, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी आपको चैनल यूआरएल डालना पड़ेगा। ये हिडन यूजर्स है, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको हम हिडन कर देते हैं, ठीक है, तो हिडन कर देते हैं, ये वाले जो वो यूजर है जिनको हमने ब्लॉक कर रखा है, मतलब फालतू कमेंट या स्पैमिंग करते हैं लोग, तो हमने कर रखा है, ठीक है। ये लाइव रिडायरेक्ट का भी ऑप्शन है कि आप लाइव को भी इससे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये आया था अपडेट, इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। एक यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ब्लॉक वर्ड्स। मैंने क्या, कुछ वर्ड्स है जो ज्यादा लोग स्पैम करते हैं, प्यार दो, प्यार लो, है ना, रिटर्न दो, सब फोर सब, ये कुछ लोग गाली वाली लिख देते हैं, कुछ फालतू की जो वर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसे वर्ड यूज करके हमारे चैनल पे कमेंट करेगा तो या तो होल्ड हो जाएंगे, स्पैम में चले जाएंगे, कमेंट्स विजिबल नहीं होंगे। और एक ब्लॉक लिस्ट, इसको मैंने ब्लॉक कर रखा है, इसलिए कर रखा है ताकि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी अपने लिंक शेयर ना करे, वरना कमेंट्स में लोग लिंक शेयर करके बहुत स्पैमिंग करते हैं। अगर आप इसे टिक कर देंगे, लोग लिंक शेयर कर पाएंगे, मैंने टिक कर दिया, लिंक शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट है, आप पढ़ सकते हैं अपने एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो भी कंडीशंस होती है, वो सारे एग्रीमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सेटिंग का फर्स्ट पार्ट पूरा समझा दिया, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों आपने सेटिंग्स के बारे में समझ लिया, अब हम चैनल की जो कस्टमाइजेशन की सेटिंग होती है, हम चैनल को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट चैनल कंटेंट पे, चैनल कंटेंट है, और यहाँ पे आना पड़ेगा कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के अब यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पे समझने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा वापस चैनल कंटेंट पे, चैनल कंटेंट है, और यहाँ पे आना पड़ेगा कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। अब बहुत सारे लोगों तो यूज ही नहीं करते इन सबको, लेकिन करना चाहिए, मैं बताता हूँ इसके क्या बेनिफिट है। देखिए एक होता है, सबसे पहले लेआउट की बात कर लेते हैं, ये हमारा लेआउट है। अब ये लेआउट एक्चुअल में होता क्या है वो समझाता हूँ। ये हमारा पेज है, ये हमारा होम पेज है एक्चुअल में, ठीक है, ये हमारा होम पेज है, और ये देखिए हमारा चल। देखिए एक होता है, सबसे पहले लेआउट की बात कर लेते हैं, ये हमारा लेआउट है। अब ये लेआउट एक्चुअल में होता क्या है वो समझाता हूँ। ये हमारा पेज है, ये हमारा होम पेज है एक्चुअल, ठीक है, ये हमारा होम पेज है, और ये देखिए हमारा चल का लेआउट है जो सामने से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये चैनल का लेआउट है, आपको दिख रहा है चैनल लेआउट, इसको हम यहाँ ट्रेलर लगा रखा है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली बार मेरे चैनल पे आएंगे तो ये वीडियो उनको दिखाई देगा, ठीक है, और जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर आएंगे उनको भी यही वीडियो दिखाई देगा। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इन तीन लाइन पे देखिए, रिमूव कर सकते हैं, चेंज वीडियो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और चेंज वीडियो कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ट्रेलर, ट्रेलर लगा होना चाहिए, इससे काफी ये हो जाते हैं सेक्शंस हमारे। हमारी जो प्लेलिस्ट होती है वो हमने यहाँ लगा रखी है, देखिए जैसे अपलोड्स लगा रखा है, पॉपुलर अपलोड्स लगा रखा है, फीचर चैनल हमने लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा चाहे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं सेक्शन, सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप चाहे लाइव शोज लगा सकते हैं, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स लगा सकते हैं, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स लगा सकते हैं, सिंगल प्लेलिस्ट, क्रिएट प्लेलिस्ट, मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ दिखाई कैसे देगी। यहाँ पे आपने देखा ये मैंने लगा रखा था पहले अपलोड, उसके बाद पॉपुलर अपलोड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करके, कुछ भी चेंज करके यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पब्लिश यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने सबसे पहले ट्रेलर लगा रखा है, इसके बाद वहाँ पे मैंने सेट किया था अपलोड, तो पहले देखिए अपलोड आ रहा है, उसके बाद पॉपुलर अपलोड यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा अगर और भी कोई हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, मान लो फेसबुक के हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, फेसबुक के वीडियोज बना रहे हैं, तो वो भी हम नीचे लगा सकते हैं, और भी जैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पेज के लेआउट को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसे सेट करके रखिए। बहुत सारे मैं चैनल देखता हूँ, जब चेक करता हूँ कुछ सेटिंग नहीं होती, होम पेज कैसे बिगड़ा हुआ होता है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका ब्रांडिंग है, ये लगभग सभी को पता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो बैनर इमेज होती है, ये वाली बैनर, ये बैनर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बैनर है,
इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियो वाटरमार्क है। यहाँ पे वीडियो वाटरमार्क क्या होता है कि यहाँ पे आप एक छोटा सा आपके वाटरमार्क आता है, इसमें आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं, अपने चैनल का लोगो लगा दीजिए, एंड ऑफ द वीडियो लगा सकते हैं, एंटायर वीडियो लगा सकते हैं, और कस्टम आप टाइम भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एंटायर वीडियो लगा रखा है, यानी पूरी की पूरी वीडियो में ये मेरा वाटरमार्क दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इन्फो की। चलिए बेसिक इन्फो में जाते हैं, लगा सकते हैं एंटायर वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो बैनर इमेज होती है, ये वाली बैनर, ये बैनर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बैनर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियो वाटर, यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो बैनर इमेज होती है, ये वाली बैनर, ये बैनर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बैनर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियो वाटरमार्क है, कहता है कि यहाँ पे आप एक छोटा सा आपके वाटरमार्क आता है, इसमें आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं, अपने चैनल का लोगो लगा दीजिए, एंड ऑफ द वीडियो लगा सकते हैं, एंटायर वीडियो लगा सकते हैं, कस्टम आप टाइम भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एंटायर वीडियो लगा रखा है, पूरी की पूरी वीडियो में ये मेरा वाटरमार्क दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इन्फो की। चलिए बेसिक इन्फो में जाते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन देके लगा रखा है, लैंग्वेज भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने चैनल डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ नहीं रखा, दिस चैनल हेल्पफुल फॉर क्रिएटर, मैं इतना ही लिख रखा है, बाकी आप चाहें तो इस पेंसिल से क्लिक करके, और आप सॉरी इसको मैं भी समझाऊंगा। हाँ देखिए, अगर आप चाहे तो ये जो क्रिएटर गाइड है, इसका नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस पेंसिल पे क्लिक करके, लेकिन क्या क्लिक करके ये टाइम है, इसमें आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं, अपने चैनल का लोगो लगा दीजिए, एंड ऑफ द वीडियो लगा सकते हैं, एंटायर वीडियो लगा सकते हैं, कस्टम आप टाइम भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एंटायर वीडियो लगा रखा है, पूरी की पूरी वीडियो में ये मेरा वाटरमार्क दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इन्फो में। चलिए बेसिक इन्फो में जाते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन देके लगा रखा है, लैंग्वेज भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने चैनल डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ नहीं रखा, दिस चैनल हेल्पफुल फॉर क्रिएटर लिख रखा है, बाकी आप चाहें तो इस पेंसिल से क्लिक करके, और आप सॉरी इसको मैं भी समझाऊंगा। देखिए अगर आप चाहें तो ये जो क्रिएटर गाइड है, इसका नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस पेंसिल पे क्लिक करके, लेकिन क्या होगा कि जब हम नेम चेंज करेंगे तो हमारा वेरीफाइड बैच जो है, जो टिक मार्क है, वो एक बार छिन जाएगा, दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, बट मैं भी नहीं चाहता, मेरा वेरीफाइड है, बाकी यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ दिखाई देगा, अबाउट में, ये देखिए वीडियो के अबाउट में यहाँ पे दिखाई देगा, दिस चैनल हेल्पफुल फॉर क्रिएटर। तो आप ऐसे अपना अबाउट कितना भी बड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आता है चैनल का URL। तो ये URL आप देखिए, ये वाला जो कस्टम URL है ना, ये होता है आपका मेन URL, ये आपका ID वाला URL होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो कस्टम URL आपको मिल जाता है, अगर कस्टम URL नहीं लेंगे तो आपके चैनल का ऐसा उटपटांग सा नाम आएगा, और URL ले लेंगे तो YouTube.com क्रिएटर गाइड ऑफिशियल, ये मेरा URL मुझे मिल गया। इसको लेने के लिए आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और 30 दिन पुराना आपका चैनल होना चाहिए, आप यहां से कस्टम URL अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सोशल मीडिया लिंक। तो यहां पे देखिए ये सोशल मीडिया लिंक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और 30 दिन पुराना आपका चैनल होना चाहिए, आप यहाँ से कस्टम URL अप्लाई कर सकते हैं। कि आपको सभी सेटिंग्स के बारे में पता चल गया होगा। आज मैं आपको बताता हूँ ये लिंक्स आपको मिलेंगे कहाँ पे। देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीन है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर पे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक है, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, वो इन पे क्लिक करेगा तो सीधा का सीधा फेसबुक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिंक लगा सकते हैं अपने बैनर के। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में आप चाहें तो अपना मेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए और वो यहाँ पे आपका जो है दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कोई ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी भर के यहाँ पे डाल दूंगा और डाल के उसको यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना बिजनेस ईमेल आईडी। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए बिजनेस वाला। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ईमेल आईडी अपने चैनल वाला मत डालिए, कोई दूसरा डालिएगा क्योंकि लोग स्पैम भी करते हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पे। तो कोई ऐसा ईमेल आईडी डाल दीजिए जिस पे स्पॉन्सरशिप आए और आप बात कर ले उनसे और यहाँ से आप पब्लिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अबाउट में आपका एक यहाँ पे मेल आईडी डल जाएगा जिससे लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेटिंग्स यूट्यूब का समझा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सेटिंग्स के बारे में पता चल गया होगा। आज आपको कौन सी सेटिंग के बारे में पहली बार पता चला कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।